देखो आज कैसे नशे बोल रही है मामा। बस मैम 40 दिन हो गए हैं। 42 डेज। माय गॉड, वेरी गुड। लो मैम, राम 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 राम। अब आप पकड़ लो, धीरे धीरे करो। अब मैदान में आना पड़ेगा और जो आपने करना था वो कर दिया। और ये तो ऐतिहासिक है कि 42 दिनों तक आप इस तरह से देश को बचाने को, संविधान बचाने के लिए भूख हड़ताल किए। ये कोई मामूली काम नहीं है, मामूली व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। लेकिन अब आपको मैदान में भी आना पड़ेगा और हम तो आपके ऊपर गर्व करते हैं। मैडम वालिया जी ने जैसे ही बताया तो तुरंत मैं यहाँ आया भाग करके। गर्व करते हैं कि ऐसा इस देश का नागरिक है, भारत का नागरिक ऐसा है जो अपने संविधान को, आइन को बचाने के लिए अपने जीवन की एक तरह से कुर्बानी ही दे दिया था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं आपसे आग्रह यही करने आया हूँ कि आप ये भूख हड़ताल खत्म करके अब आप बहुजनों के बीच जाइए और दलितों और पिछड़ों को, महिलाओं के बीच जाइए, उनको इकट्ठा करिए। और जो हमारा संविधान सेकुलर था जिसको ख़त्म किया गया, कमज़ोर किया गया, CA के माध्यम से उसको हम फिर से बहाल कर सकें। तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपके जज्बे का सलाम करता हूँ। और अम्बेडकर वाले इसीलिए हिंसा छोड़ अहिंसा का रास्ता। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हिंसा का, यहाँ हिंसा हो भी नहीं रही है, लेकिन यह है कि अब कॉलोनियों में, गलियों में जाना है। 43 दिन का है, 43 चल रहा है। जैनुल आबिदीन जी का, जैनुल आबिदीन जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।